हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज रामनवमी, रामनवमी के अवसर पर मम्मी यार बना रही है कुछ खास। तो आज आपको दिखाते हैं कि मम्मी यार क्या बना रही है। मम्मी और पूजा और छोंक मम्मी यार का रेडी हो चुका है। देखिए, छोंक बना रखा है और मसाले मिक्स कर दिया पूजा ने। और छोले यार आलू का पेस्ट है, आलू उबाल कर उनका पेस्ट बना रखा है। आलू और छोले बना रही है पूजा। तो छोंक रेडी हो चुका था पूजा का और छोंक में डाल दिया पूजा ने टमाटर, आलू, छोले। और आज खाना पूजा इंडक्शन पर बना रही है क्योंकि गैस हमारी ख़त्म हो चुकी थी। तो पूजा ने आज इंडक्शन पर ही छोले बना रही है। और इंडक्शन का बर्तन तो नहीं आया भूंगना, लेकिन ये इंडक्शन पर चल जाता है, इसलिए पूजा ने इसमें ही बना दिया है आज छोले। और चावल हमारे बन चुके हैं और पूजा ने छोले का चावल लगा दिया है। छोले बनने रह गए हैं बस, और उसके बाद खाना बन जाएगा, पूरी, हलवा। और हमको व्रत भी खोलना है, लेकिन मम्मी बोल रही थी कंजा नहीं जिमाएंगे, गाय को जिमा देंगे। तो 5 गाय को जिमा देंगे, कंजा नहीं जिमा रहे हैं। पिछली बार भी नौ में कंजा नहीं जिमाई थी और अब की बार भी कंजा नहीं जिमा रहे कोरोना की वजह से। और पूजा ने छोले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, देखिए। और उसके बाद आलू का पेस्ट डाल रही है, आलू का पेस्ट बनाया था जो। तो आलू का पेस्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि छोले थोड़ा केड़ हो जाए और इससे अच्छे लगे चावलों में। और उधर पूजा सब्जी बना रही है, इधर मम्मी हलवे बनाने की तैयारी कर रही है। तो मम्मी ने घी डाल दिया कढ़ाई में, तो भी हलवा बनाएगी। और हलवा मम्मी सूजी का बना रही है, सूजी का हलवा। और घी हमारा गर्म हो चुका है, तो मम्मी इसमें सूजी छान रही है। सूजी छान कर हलवे में सूजी डालेगी इसमें। तो मम्मी ने सूजी डालनी शुरू कर दी है, थोड़ी हल्की सूजी डाली है और कमी हलवा बना रही है लगता है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा हलवा नहीं खाया जाता, तो कमी हलवा खाते हैं घर में, तो इसलिए कमी सूजी का हलवा बना रही है मम्मी। और मम्मी बोल रहे हैं कढ़ाई इतनी बड़ी और हलवा थोड़ा सा ही बना रहे हैं। ये देखिए सूजी कितने से है, तो छोटी कढ़ाई नहीं है, छोटी कढ़ाई जल्दी लेंगे। और इधर पूजा ने हलवे का पानी गर्म कर दिया है, मीठा पानी। और इसमें कज्जू भी डाल रखे हैं, मुनक्का बादाम, किशमिश भी डाल रखी है, तो ये हलवे में डलेगा। और इतनी मेवा डालता था तो हलवे में और भी स्वाद आ जाएगा, अच्छा लगेगा। और छोले की सब्जी हमारी बन चुकी है, तो अब रह गई है पूरी बननी। तो पूरी बनाएगी मम्मी और पूजा। और मम्मी ने सूजी भून दिया अपनी, लाल हो चुकी है, तो अब मीठा पानी डालना है इसे बस। और मम्मी ने हलवे में कच्चा दूध भी डाला है, तो कच्चा दूध डालकर और भी स्वाद आ जाएगा हलवे का। Thank you.
और हलवा बन जाने के बाद मम्मी ने रोटी बनानी शुरू कर दी है। और हलवा बन चुका है हमारा, और छोलों की सब्जी बन चुकी है, और चावल भी बन चुके हैं, और अब बनाई है मम्मी रोटियां, और पूजा ने पूजा बनानी शुरू कर दी है। तो मम्मी ने बनाई थी भी रोटियां, देखे होगा आपने तो, घर में कुछ रोटियां खाते हैं और कुछ पूजा खाते हैं, तो तली भुनी हुई चीज़ कम खाते हैं, तो उनके लिए रोटियां बनाई है। और मुझे तो पूजा खाने का बहुत शौक है, कचौरियाँ, और पूजा अच्छी कचौरियाँ बनाती है, फूली फूली कचौरियाँ बनाती है, बहुत ही टेस्टी। और खाना बन जाने के बाद आ चुका है बर्तनों का नंबर, तो पूजा बर्तन बन जाएगी। मकला चला रखी होगी। और गाय को जिमाने के बाद, खाना खाने के बाद पूजा ने बर्तन मांजना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम जी, जय माता दी, जय श्री राम।